हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मनीषा सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून मंथ की टॉप 7 वैकेंसीज के बारे में। इस वीडियो को बनाते वक्त मैंने 4 फैक्टर्स के ऊपर ध्यान रखा है। फर्स्ट फैक्टर ये है कि ये ऑल इंडिया की वैकेंसी रहने वाली है, यानी आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, यानी कि कोई स्पेसिफिक स्टेट के लिए ये फॉर्म नहीं है, ऑल इंडियन जो भी है उनके लिए ये वैकेंसी रहेगी। सेकंड, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है, दोनों ही कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक जेंडर वाइज नहीं आपको दिया गया कि आप मेल कैटेगरी वाले भर सकते हो और फीमेल कैटेगरी वाले नहीं अप्लाई कर सकते हो। थर्ड, इसके लिए फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड नहीं है, सर्टिफिकेट या कोई डिप्लोमा की नीड नहीं है, बस आपका जो बेसिक आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। फोर्थ एंड लास्ट क्राइटेरिया कि इसके लिए कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, मीन्स कि जो भी टोटल लोग हैं 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट्स, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, सभी स्ट्रीम वालों के लिए ये सारी फॉर्म्स रहने वाली है। यहाँ पे मैंने 3 जॉब्स ग्रेजुएट्स के लिए रखा है, 2 जॉब आपका 12th पास आउट्स के लिए है, 2 जॉब आपका 10th पास आउट्स के लिए रहने वाला है। और इस मंथ में जो भी सारी वैकेंसीज आई है उसमें से मैंने आपके लिए ये टॉप जो बेस्ट वैकेंसीज है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ग्रेजुएशन के साथ। सबसे पहली जो जॉब है वो आपको एफकेट की जॉब है, यानी कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट की के थ्रू ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट इंडियन फोर्स के द्वारा कंडक्टेड एक ऐसा एग्ज़ाम है कि जिसमें अगर आप पास हो जाते हो तो आपको इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बनने का मौका मिलता है, फ्लाइंग ऑफिसर की आपको पोस्ट दी जाती है, 80,000 आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी होती है। एफकेट के फॉर्म के थ्रू इंडियन एयरफोर्स हर साल ये वैकेंसी को आपको कंडक्ट कराती है। इसके लिए फॉर्म 1 जून से स्टार्ट है और लास्ट डेट आपका 30 जून रहने वाला है। मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी ग्रेजुएट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है, किसी भी ईयर में किया है, आपने अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। इसके लिए आपका एज लिमिट 20 to 26 ईयर के बीच में रहने वाला है। इसमें जब आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको इनिशियली 80,000 की इन हैंड सैलरी दी जाती है। सेकेंड जो आपकी वैकेंसी है वो अगेन आपकी डिफेंस फोर्सेस की तरफ से है, ये है CDS यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की आपकी एग्ज़ाम होती है, हर साल UPSC के थ्रू इसको कंडक्ट कराया जाता है। इसके थ्रू आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में से कुछ भी आप ज्वाइन कर सकते हो। एज एन ऑफिसर की पोस्ट के लिए आप इसमें ज्वाइनिंग होगी आपकी। टोटल 349 पोस्ट पे ये वैकेंसी आई है। इसके फॉर्म्स ऑलरेडी आउट है, यानी आपको लास्ट डेट जो है फॉर्म अप्लाई करने का वो 6 जून रहने वाला है। तो आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को अप्लाई कर दो, कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। आपने किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी ईयर में आपने ग्रेजुएशन किया है, आपका जो भी परसेंटेज है, आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। CDS की पोस्ट के लिए जो एज लिमिट रखा गया है फ्रेंड्स, वो आपका 19 to 25 ईयर्स का रहने वाला है। नेक्स्ट जो वैकेंसी निकली है फ्रेंड्स, वो आपका IDBI के थ्रू एग्जीक्यूटिव एंड ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। 1000+ वैकेंसी आई है। इसके लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो आपको पोस्ट वाइज अलग अलग रहने वाला है। एक पोस्ट के लिए आपको 7 जून लास्ट डेट है और दूसरे पोस्ट के लिए आपको 15 जून लास्ट डेट रहने वाला है। इसके लिए कोई भी ग्रेजुएट एस्पिरेंट अप्लाई कर सकते हैं और एज लिमिट आपका 20 to 30 ईयर्स के बीच में रहने वाला है। एक्चुअली एज लिमिट जो है फ्रेंड्स, वो आपको पोस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। किसी किसी पोस्ट के लिए आपको जो है वो 35 ईयर्स भी मैक्सिमम एज आपको देखने को मिल जाएगा।
आपको पोस्ट देखना पड़ेगा कि एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, ऑफिसर की पोस्ट है, या फिर आपको स्पेशल ऑफिसर की पोस्ट है। सो फ्रेंड्स, ये तीन वैकेंसी आपको ग्रेजुएट्स के लिए आई है। तो अब हम लोग बात करेंगे 12th लेवल के एग्ज़ाम्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, 12th पास आउट के लिए सबसे बेस्ट जो इस मंथ में वैकेंसी आई है वो आपको SSC के थ्रू CHSL की वैकेंसी आई है, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है SSC, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए डिफरेंट पोस्ट पे वैकेंसीज निकालते रहती है। SSC की तरफ से ही MTS, CGL की भी वैकेंसी निकाली जाती है। सो इसी तरह से आपका SSC CHSL का वैकेंसी आया है 12th लेवल पे। सेंट्रल मिनिस्ट्री की जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, जैसे कि नारकोटिक्स हो गए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CBI, पासपोर्ट ऑफिस, एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो ये सारे मिनिस्ट्री में अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी निकलते रहती है। तो CHSL के थ्रू इन सारे वैकेंसीज को आपको जो फुलफिल किया जाता है। इस एग्ज़ाम के थ्रू आप लोअर डिवीज़न क्लर्क बन सकते हो, आप सेक्रेटरी बन सकते हो, आप असिस्टेंट बन सकते हो, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर या टाइपिस्ट बन सकते हो। सो ये सारे डिफरेंट पोस्ट जो है इसके थ्रू निकलते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स, जो भी 12th पास है, जिनकी एज है 18 to 27 ईयर्स के बीच में, वो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। इस फॉर्म को फिल करने का लास्ट डेट आपको 8th of June रहेगा। 12th पास आउट के लिए जो सेकेंड जॉब है वो आपका नेशनल डिफेंस अकेडमी यानी NDA की जॉब है। NDA की जो जॉब होती है वो UPSC के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। NDA एक्चुअली जॉब नहीं होता है, ये एक एग्ज़ाम का नाम है, जिसको क्लियर करने के बाद आपको खड़कवासला पुणे में 4 ईयर्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद आपको एक ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि 12th पास आउट के बेसिस पे आपको ये जॉब मिलेगा। जॉब के बाद आपको एक डिग्री भी मिलेगी, जिसके बाद आपको इंडियन मिलिट्री अकेडमी में 1 ईयर की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आप इंडियन आर्मी में ऑफिसर बन जाएंगे और आपकी लेफ्टिनेंट की पोस्ट से ज्वाइनिंग होगी। और उसमें आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी जो है फ्रेंड्स, वो 70 to 75 thousand की रहेगी। NDA के लिए टोटल पोस्ट आपको 395 रहने वाला है, जिसके लिए कोई भी 12th पास आउट अप्लाई कर सकते हैं। द कैंडिडेट हु इज़ बॉर्न बिटवीन 2 जैन 2005 टू 1 जैन 2008 आर एलिजिबल टू अप्लाई दिस फॉर्म। इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट आपको 6 जून रहने वाला है। अब हम बात करते हैं 10th पास आउट कैंडिडेट्स के लिए। 10th पास आउट कैंडिडेट के लिए जो पहली जॉब वैकेंसी है वो आपको इंडियन नेवी अग्निवीर मैट्रिक रिक्रूटमेंट, यानी कि ये आपको कोई भी 10th पास आउट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करूं फ्रेंड्स, तो आपको 1 नवंबर 2002 से लेके 13 अप्रैल 2006 के बीच जिन भी कैंडिडेट्स का जन्म हुआ है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके फॉर्म्स जो है वो आपको ऑलरेडी 2 जून से अप्लाई होना स्टार्ट हो गया और लास्ट डेट आपका 15 जून रहने वाला है। अगर आप इस जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाते हो फ्रेंड्स, तो आपका इनिशियल इन हैंड सैलरी आपका 25,000 पर मंथ रहने वाला है। फाइनली, जो आपको 10th पास आउट के लिए लास्ट जॉब है वो आपको इंडियन पोस्टल सर्विस में, यानी कि इंडियन पोस्ट ऑफिस में ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट के लिए आपकी जॉब रहने वाली है। इसके लिए कोई भी 10th पास आउट जिनका की एज लिमिट 18 to 40 ईयर्स के बीच में है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और अप्लाई करने का लास्ट डेट आपको 11 जून रहने वाला है। इसमें आपको 13,000 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई है। सो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है 10th पास कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि इससे पहले मैंने जो आपको 6 वैकेंसीज के बारे में बताई है, सबसे ज़्यादा जॉब वैकेंसी, सबसे ज़्यादा सीट आपको इसी पोस्ट के लिए देखने को मिलेगा।
इसके लिए जो आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगा फ्रेंड्स, वो आपको 20,000 देखने को मिलेगा, जो कि बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंडेबल होता है। सारी गवर्नमेंट जॉब की जो आपको सैलरी होती है वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंडेबल होती है, जैसे कि आप कहाँ पोस्टेड हो, आपका प्रमोशन कहाँ पे हुआ, कौन कौन से अलाउंस आपको मिलने वाले हैं, देन आपकी कौन सी पोस्ट रहेगी, ये सारे फैक्टर्स पे आपको डिपेंड करता है आपका जो सैलरी होता है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। सो फ्रेंड्स, ये सारी 7 वैकेंसीज थी आपकी जून मंथ के लिए। सो बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशंस। तो फ्रेंड्स, किसी भी पोस्ट में अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत आया हो तो आप जो है वो कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं उस पोस्ट के लिए स्पेसिफिकली आपको एक वीडियो बना के आपको समझा दूंगी आपको जो भी डाउट लगेगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि सारी न्यू न्यू जॉब अपडेट की वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरी वीडियो को शेयर करना। मिलती हूँ आपसे फिर से किसी न्यू जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।